सो बिसमिल्ल रखीम असल वरह वरक सो बहन अपना पहले तो आप अपना नाम आप अपना रियल नाम बताना चाहेंगी या आप अपना सूडो नाम बताना चाहेंगी किस में आप कंफर्टेबल हैं सर नहीं मैं रियल नहीं बताना चाहूँगी ठीक है सही ठीक है ना दैट्स इट सो आप एक आ, आप एक खातून हैं जो कि पा, पाकिस्तान में रहती हैं दैट इज़ इनफ ठीक है that, that और यू आर अ मैरिड एंड एंड यू यू हैव टू टू किड्स वांट नो कि अब ये yes. जानना चाहती हैं कि मैं क्या पढूं कि मैं अपने घर में सपोर्ट कर सकूं और तमाम चीजें जो मैं करना चाह रही हूं वो कर सकूं और एक कैरियर पाथ पे चल सकूं राइट सही कह कहना yes, right, अच्छा absolutely. उसके अलावा आपने मुझे बताया कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी से एम किया एच के अंदर राइट yes, ठीक है जी, अच्छा सही है अच्छा ना यू डोंट हैव टू टेल योर एज आपको एज वेज कोई चीज़ बताने की जरूरत नहीं है अब मैं आपको जो जो गाइडेंस बता रहा हूँ ये उन तमाम माओ बहनों बेटियों के लिए हैं जो पाकिस्तान में हैं और जो काम करना चाहते हैं ठीक है सो so, मेरा मशवरा है, है आपके लिए मेरा मशवरा है आपके लिए जैसे पाकिस्तान में हाफिज नुमान जो है वो बैचलर्स और इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके घूमता रहा एक साल तक उसको जॉब नहीं मिली ठीक है उसने हमारे कोर्सेज पढ़े और अलहमदुल्ला जब सी बनाया उसने तो उसको सत्तर हज़ार रुपये की पाकिस्तान में अच्छी जॉब मिल गई वो लाहौर में काम कर रहा है ठीक है आप जहाँ पर भी पाकिस्तान में हैं आप कहीं पर भी हैं आप काम कर सकती हैं क्योंकि ज़्यादातर जो काम है अब वो रिमोट हो रहा है राइट रिमोट रिमोट काम ज़्यादा है राइट तो उसके उसके मुताबिक मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अगर आप साइबर डिफेंस का ट्रैक पढ़ें अच्छे तरीके से ठीक है साइबर डिफेंस के ट्रैक के अंदर जो कोर्सेज हैं मैं आपको उसका भी बता देता हूँ जो कि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से रिलीजली uh, फॉलो करने हैं पहला कोर्स है पाइथन 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 प्राइमर प्राइमर दूसरा है Primer, तीसरा है Alpha, है तीसरा उसके बाद ये चार हो गए फिर सी एस एस प्रेप, प्रेप यानी आपने एग्जाम ही देना सिर्फ सी एस एस पी की प्रेप करनी है क्योंकि एग्जाम जो है सत्तर हजार रुपए का सत्तर अस्सी हजार का इम्तिहान है सात सौ समथिंग डॉलर्स का फिर आपने साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है आई एस ट्वेंटीमेंटेशन उसमें घबराना नहीं है उसकी मैं एडिशनल वीडियोस बना रहा हूँ कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है और वो सारी की सारी आगे सी आई एस के कोर्स के अंदर है फिर आपने हैकिंग वन ओ वन पढ़ना है अगेन हैकिंग वन ओ वन में आपने परेशान नहीं होना कि ये लैब कैसे होगी वो लैब कैसे होगी अगर उसमें लैब्स हैंड्स ऑन चीज़ें बहुत हैं ठीक है थीके? उसके लिए हम लोग अट्ठारह जनवरी से जो लैब्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपको फायदा ये होगा कि आप उसको अमल करके उस पर कामयाब हो सकते हैं ठीक है इनशाला सही है उसके बाद फिर आता है सीआईएस का टॉप ट्वेंटी कंट्रोल्स सी, सी, आ, सीम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मॉनिटरिंग और पी सी अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी रिकॉर्डेड हो रही हैं और आप और कोई भी ऐसी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो इसको इस पर अमल करना चाहती हैं तो वो अमल कर सकती हैं ठीक है सही है तो पहली चीज़ ये हो गई आपकी ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया उसके साथ साथ आपने डेटा साइंस का जो कोर्स है सना रशीद का वो पढ़ना है बिकॉज मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इट डज़ेंट मैटर कि आपका क्या आ, पुराना क्या पात था इट डजेंट मैटर ठीक है वट कि आप उसकी फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करके क्या पढ़ सकती हैं कि पढ़ने के बाद आप उसको अपने आप को बेहतर बना सकें तो आप जो है ना सबसे पहले आ, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा अपने पास ठीक है खतीजा के नाम से यानी उमाहलमोमिन के नाम से खतीजा के नाम से मैं आपका नाम सेव करूँगा और बोलूंगा खतीजा पाकिस्तान खतीजा पाकिस्तान आप ठीक है इस तरह करूंगा और उसके साथ साथ मैं बेसिकली आप मुझे अपना वर्ड पे रेज्यूमे भेजेंगी सीवी भेजेंगी तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपका सीवी जो सीवी है ना उसको मॉडिफाई करूंगा ठीक है कि आपने किस तरह से, से अब अपने आप को प्रजेंट करना है तो पाकिस्तान में जितने बैंक हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं मल्टा हैं आप वहाँ अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं काम करने के लिए ठीक है तो आपने डेटा साइंस का जो और, और कितना टाइम लगा सकती हैं आप दिन में कितना पढ़ सकती हैं आप? सर मैं इससे इस इस जितना ज्यादा बेनिफिट ले सकू जल्द अज जल्द मैं अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सक ठीक है तो आप अगर आपके पास टाइम दिन में ट्वेंटी आवर्स में अगर आप तीन घंटे रोजाना निकाल सकती हैं पढ़ने के लिए कंसिडरिंग आपके छोटे बच्चे भी हैं जी सर जी सर श्योर ठीक है तो पहला आपने काम ये करना है कि आपने एक दिन बैठ कर दस मिनट पाइथन पढ़नी है दस मिनटिक्स पढ़नी है ज्यादा नहीं पढ़नी ठीक है सही है अगर आपको सर, कोई भी मुश्किल हो रही है कोई चीज समझ नहीं आ रही उसमें घबराना नहीं है आपने ठीक है उसमें आपने बिल्कुल नहीं घबराना बल्कि आप उसमें आगे बढ़ती चली जाएं और कोई भी सवाल कुछ भी हो आप वहाँ ग्रुप में पूछ सकती हैं फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकती हैं वहाँ सारे जो जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी मदद करेंगे इनशाला ठीक है अच्छा दूसरी चीज़ के हमेशा अगर कोई भी एरर कोड इस तरह की कोई चीज़ आती है तो हमेशा उसके अंदर लिखा होता है कि कहाँ पर मिस्टेक है तो आप उसको अगर सर्च करें डक डक गूगो के ऊपर या गूगल के ऊपर तो आपको मिल जाएगा कि इसमें कहाँ मैं कोड में गलती कर रही हूँ तो कोड के अंदर ना आपने डीप डाइव नहीं करना कि भाई मैं ये क्यों नहीं चल रहा अभी नहीं करना इस टाइम पे नहीं आगे जाकर अभी नहीं ठीक है तो दस मिनट आपने पाइथन पढ़ी दस मिनट आपने लिनक्स पढ़ी अगर आपसे लिनक्स इंस्टॉल नहीं होती लिनक्स तो की पूरी बनी बनाई वर्चुअल मशीन भी अवेलेबल होगी 18 जनवरी से जो आप खरीद सकती हैं या तो आप डाउनलोड भी कर सकती हैं और आप उसको यूज भी रख के चला भी सकती हैं वो सारे तरीकेकार हमारी वेबसाइट पे दिए हुए होंगे तो जो 18 जनवरी को जो लाइव सेशन है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा फेसबुक पे ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्या है ठीक है अगर आपने ये अच्छा बाकी आपने ये हो गया दस मिनट दस मिनट बीस मिनट बाकी आपके बचे दो घंटे और चालीस मिनट दो घंटे चालीस मिनट में आपने अच्छे तरीके से जो चालीस मिनट रहते हैं ना वो आपने पढ़ना है सी आर एस एस पी जो कि आपको बताएगा ऑर्गेनाइजेशन में उठना बैठना कैसा है इट्स अ बेसिक क्वालिफिकेशन उसमें आपको बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में बैठना कैसे है बात कैसे करनी है कम्प्लाइंस क्या है रिस्क मैनेजमेंट क्या है क्रिप्टोग्राफी क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो कोई एडवांस क्वालिफिकेशन नहीं है बात में अगर आपसे कोई ये कह रहा है तो वो गलत कह रहा है आप उसकी बात मत सुनिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप उस तरह चलें क्योंकि मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ मेरे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं दुनिया में इस वक्त हर जगह काम कर रहे हैं और कामयाब हो चुके हैं उसमें बहन उसमें माएँ बहने बेटियाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ठीक है मेरी नज़र में ख़वात जो हैं दे आर द बैक बोन ऑफ द इस्लामिक फाउंडेशन इस्लामिक सोसाइटी इफ़ दे वर्क हार्ड एंड देर एजुकेटेड तो अगर वो पढ़ी लिखी होंगी एजुकेटेड होंगी तो वो ना सिर्फ अपने शहरों को सपोर्ट कर सकती हैं बल्कि आगे कामयाबी हो सकती हैं मैं इसमें एक बात कहूँगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के सामने अक्सर जो है ना तारीफ़ करते थे खतीजा रजी की राइट तो जाहिर सी बात है एक जैलिस डेवलप हो जाती है तो अम्मा आयशा ने एक दिन बोला कि तुम क्यों आप क्यों ना एक आ, मतलब क्या ना गुस्से में कहा क्योंकि काफ़ी अर्सें सुनती आ रही थी ठीक है उन्होंने कहा कि भाई गुस्से में कहा कि आप क्यों इनकी इतनी तारीफ़ करते रहते हैं ना सही है तो रसूल वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मेरा नहीं था तो वहाँ खतीजा थी जिसने मुझे अपने सबसे पहले मेरे पे ईमान लाई अपने माल से मेरी मदद की अपनी हर चीज़ मेरे ऊपर लगा दी जी सर। तो जो खतीजा है मेरे लिए वो कोई भी नहीं है राइट तो अगर हमारी सारी जो माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो खतीजा रजी अल्लाह तआला के नक्शे कदम पे चलें और औरल्म नाफिया और रिज़्क़न तयब व अमन मतकबल हासिल करें ठीक है तो वो अपने शहरों के लिए हर शोहर के लिए खतीजा बन सकती हैं राइट शोरों को भी चाहिए कि वो रसूल अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलें ठीक है ये नहीं कि बीवी से एक्सपेक्ट करें वो खुद भी अपने आपको ज़रा सुधारा है उनके लिए भी है तो आपके लिए बेहतर है कि आप उसको लेके चलें फिर ये हो गए दो घंटे दो घंटे हो गए ठीक है चालीस मिनट आपने वहाँ लगाए सॉरी तीन घंटे थे ना चालीस मिनट आपने वहाँ लगाए दस दस मिनट यहाँ लगाए एक घंटा ये हो गया दो घंटे आपके पास बचे अब उस दो घंटे में आपने दोबारा बैठ जो है वो डेटा साइंस पढ़नी है सना रशीद की जो कोर्स है

मिनट पढ़ी बंद कर दी फिर आपने दस मिनट सियास भी पढ़ा पढ़ना आपको चालीस मिनट है लेकिन आपने दस मिनट पढ़ा आपने फिर बंद कर दिया फिर आपने दोबारा खोला पांच मिनट का गैप लें फिर दोबारा दस मिनट पढ़ा फिर बंद कर दिया दस मिनट से ज्यादा कोई सेशन नहीं करें अपना पढ़ाई का हमेशा ब्रेक लें उसके बाद ठीक है ना एक ब्रेक लें तो इस तरह आपकी ना आपका जो जो रिटेंशन है जहन में जो वो वो ऑप्टिमल लेवल पर रहेगा ऊपर तक चलता चला जाएगा ठीक है तो ये चीज़ पहले हो गई तो अगर आप इस तरह से करेंगे इन तो आप उसमें अच्छे तरीके से अपने आप को मेनटेन भी रख सकती हैं और कामयाब भी हो सकती हैं बाकी आपने एक डेटा साइंस पढ़ा फिर आप दोबारा वही सर्कल दोबारा से चलाएं ठीक है दोबारा से पढ़ें दोबारा से करें सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है अगर आप ये तीन महीने तक ये दो महीने तक करती हैं तो आपका सीवी इस लेवल पे बन जाएगा और आप इस लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पाकिस्तान में जगह मुख्त जगहों पे अप्लाई कर सकती हैं प्लस जो हम कंसल्टिंग कंपनी खोल रहे हैं मैं उसमें जब मैंने साहब का नाम बताया कि सिस्टर अंदलीब हैं हमारी जो सबसे ब्राइट स्टूडेंट हैं खातीन के अंदर और एक और सिस्टर भी हैं जो है। कि सऊदीया में जिनके भी दो बच्चे हैं जिन्होंने सी एस एस पी का इम्तहान भी पास किया है मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा आ, तो वो जो हैं वो दोनों इन चीज़ों को लीड करेंगी जिसको हम अपॉर्चुनिटी देंगे तो उसके अंडर भी आप काम कर सकती हैं तो आप मुझे लेकिन वो आ, सिस्टर अंदलीब जो हैं वो प्री डामेंटली डेटा साइंस की माहिर हैं मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की माहिर है तो वो उसमें होंगी लेकिन जो दूसरी सिस्टर हैं इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा सी एस एफ सी का इम्तिहान भी पास किया है तो वो जो है कंप्लाइंस का काम करेंगी सोहान एंड सोफोद राइट तो आपको पूरी ऑपरचुनिटी मिलेगी कि आप ना सिर्फ ये करें बल्कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी करें तो वो जितने भी कोर्सेज हैं साइबर डिफेंस ट्रैक के वो आपने फॉलो करने हैं और उनको अगले दो से तीन महीने चार महीने में मैक्सिमम खत्म करना है ठीक है तो फिर इनशाला फिर आप इस लेवल पे जा सकती हैं कि ये आपको इतनी स्टेबिलिटी दे देगा जॉब पे और फिर आप मजीद आगे पढ़ती भी ये आपको इतनी स्टेबिलिटी दे देगा कि आप कहीं पर भी दुनिया में जाती हैं ठीक है थीके? आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी जाती हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप आराम से बैठकर अच्छे तरीके से काम कर सकेंगी इनशाला ठीक है तो आप इसके बाद इस कॉल के बाद आप मुझे सी भेजेंगी मैं सी के ऊपर ना उसको पूरा एडजस्ट करूंगा बताऊंगा कि किस तरह से क्या प्रेजेंटेबल होगा लेकिन आपने अगले तीन महीने में अपने आप को अपने आप को इनग्रोस कर देना इन तमाम चीज़ों के अंदर इस लेवल पे कि आपको तमाम चीज़ें आ जाएं साइबर डिफेंस की और डेटा साइंस की जी सर ठीक है इनशाला आप कोई सवाल है आपका और कोई सवाल है आपका जी सर सिर्फ मेरा एक ही आप इतना प्रॉपरली गाइड कर दिए कि मुझे सारी चीजें समझ आ गई और इंशाल्लाह मैं ले लूंगी। लेकिन एक है कि जितने भी कोई सर्कल में लोग लो सर है, है तो आप तो इसको बिल्कुल नहीं लेके चल सकते ये टेक्निकल फील्ड है और इसमें तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे नहीं गलत है ये गलत चीज़ है देखें पाकिस्तान में लोग मशवरा देते हैं जिसको मशवरा देना नहीं आता मशवरा एक बड़ी अमानत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जिसको नहीं मालूम ना तो उसको खामोश रहना चाहिए नहीं बताना चाहिए अगर इन लोगों की वजह से जिनके जो दूसरे लोगों को बोलते हैं कि नहीं पढ़ने ये नहीं पढ़ो वो नहीं पढ़ो ये नहीं करो वो नहीं करो और उन लोगों का कैरियर ख़राब हो जाए तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे पूछेगा कि भाई अगर तुम उसको बता देते सही मशवरा दे देते तो वो कहाँ से कहाँ चला जाता लाइक द थिंग इज़ के पाकिस्तान के अंदर जो बेरोज़गारी है और पाकिस्तान के अंदर जो गलत चीज़ें हैं वो इसलिए हैं कि लोग जो है ना वो पर्सनैलिटीज को फॉलो करते हैं लोग गलत लोगों को फॉलो करते हैं ठीक है अगर आपके पास आ, अगर आप देखें अगर आप बीमार होती हैं आप किसके पास जाती हैं डॉक्टर के पास जाती हैं ना राइट अगर आप अगर आप क्या नाम है अगर आपने एचआर का मसला सॉल्व करना आप एचआर के पास जाती है ना एचआर एचआर आप, आप, में, में आपको यही पढ़ाया जाता है ना राइट अगर अगर आपने कोई पुल बनाना है या कोई बिल्डिंग बनानी है तो आप सिविल इंजीनियर के पास जाएंगी राइट आप वहाँ पर हकीम के, yes. पास yes. तो के पास तो नहीं जाएँगी या आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे कि यार ये, ये कैसे बनेगा राइट सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिद्दीक रजी अन्हु ने फरमाया कि जब आप किसी से मशवरा करो और सम आस्क यू ऑलवेज गिव द राइट मशवरा इफ़ यू नो द सब्जेक्ट इफ़ यू डू नॉट नो द सब्जेक्ट अगर तुम्हें तो उसमें उसमें तो माहिर नहीं हो तो मत दो पाकिस्तान में जो है ना लोग लोगों ने अपने आप को माहिर बना दिया माहिर वो होता है जिसका बीस साल पच्चीस साल का एक्सपीरियंस हो जो आ, साइबर सिक्योरिटी के अंदर या मुख्तल जगहों पर जितनी उस चीज़ें उसमें काम कर चुका हो ठीक है दुनिया में बड़ी बड़ी जगहों से पढ़ा हुआ हो जैसे अगर आपने कुरान की आयत के बारे में पूछना है तो आप डॉक्टर सारा अहमद राम के पास जा की तस, तस्नीफ़ पढ़ सकती हैं मुफ्ती रशीद रहमल की चीज़ें पढ़ सकती हैं फ़तवा रशीदियाँ जो उनकी बड़ी ज़बरस्त किताब है जिसमें बहुत सारे फतवे लिखे हुए हैं ठीक है मौलाना ऐसी लद्धिया की चीज़ें पढ़ सकती हैं ठीक है बड़े बड़े स्कॉलर्स मुफ्ती इस्मानी साहब जो हैं वो इस्लामिक फाइनेंस के माहिर हैं दूसरी चीज़ों के माहिर हैं बहुत जयत बड़े स्कॉलर हैं अब उनकी चीज़ें पढ़ सकती हैं ठीक है ठीके? तो अगर आ, जैसे डॉक्टर शारद रहा ने फरमाया हर इंसान को जो है वो अपने बच्चों की नमाज जनाजा अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने आनी चाहिए हर इंसान को जो है अपने बच्चों का निकाह पढ़ाने आना चाहिए हर इंसान को तमाम मसाइल का पता होना चाहिए इसका मतलब उन्होंने कहा कि हर इंसान को मौलाना होना चाहिए ठीक है सही है तो ये चीज़ जो थी ना जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैंने कहा कि यार मैं एम uh, चला गया स्टैंडफर्ड चला गया सब जगह बड़ी बड़ी जगह से पढ़ लिया पी भी कर रहा हूँ बीस साल से ऊपर इंडस्ट्री में काम होते भी हो गया तो अब मैं आलिम भी बनना चाहता हूँ ताकि मैं डॉक्टर सारम्ल सही कह रहे हैं कि हमें बनना चाहिए राइट सो so, इसी तरीके से हर बच्चे को आजकल के ज़माने का जो बच्चा है उसको साइबर सिक्योरिटी का काम आना चाहिए उसको लैनिक्स पे काम आना चाहिए उसको पाइथन की कोडिंग आनी चाहिए हर इंसान को क्योंकि ये एक दुनिया में एक नया लिटरेसी लेवल मेजरमेंट का तरीका हो गया जैसे वर्ल्ड बैंक है ना दुनिया में अगर उसको मेजर करना होता है कि कितने लोगों को इंग्लिश आती है मैथ्स आती है उर्दू वो ये तीन चार सब्जेक्ट्स को असेस करते हैं साइंस इंग्लिश और मैथ्स को तो अब उन्होंने एक नई मेजरमेंट निकाली है कितने लोगों को कोडिंग आती है पाइथन की या जावा की किसी चीज़ की भी तो पाइथन जो है दुनिया में डोमिनेट लैंग्वेज है नेचुरल लैंग्वेज है हर जगह यूज़ होती है लाइनिक्स या लिनिक्स जो है वो दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होता है हर जग, हर चीज़ पे चल रहा है तमाम चीज़ें जो हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह सब चीज़ें उस पर चल रही हैं मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को मतलब क्या ना गलत मशवरा दिया जाए और बोला जाए कि भाई तुम नहीं पढ़ सकते क्यों नहीं पढ़ सकते बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप एच में आपने किया है आप डेटा साइंस पढ़ेंगी आप वहाँ जाके बता सकती हैं कि भाई हमने इनकी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स देखनी है या हमने अगर इनकी कोई और चीज़ें देखनी है वी कैन यूज़ द पावर ऑफ़ डेटा साइंस टू एनाइज दो सही है exactly. तो यू आई मीन डेटा साइंस तो दुनिया में हर जगह है हर जगह आपको दुनिया में डेटा साइंस मिलेगा कायनात में अल्लाह हर चीज़ डेटा से, से चला रहे हैं ठीक है ठीक है तो अल्लाह तब कलम अल्लाह तब से पहले कलम बनाया और कलम को बोला के लिखो ठीक है वो क्या आता दिस इज ऑल डेटा बेसिकली ठीक है लोहे महफूज में इट इज ऑल डेटा ठीक है एवरी इज डेटा तो अल्लाह तला जो है कायना के सबसे बड़ा डेटा चीफ़ चीफ चीफ डेटा साइंटिस्ट ठीक है तो फिर हम लोग जो हैं फिर हम क्या कर रहे हैं सो सो दीज थिंग्स आर इनकरेक्ट अगर आपने किसी ने आपको मशवरा दिया गलत दिया है दिस इज़ द रीज़न के पाकिस्तान में ये हालात हैं बाहर के अंदर कोई बंदा गार्डनिंग में डिग्री करता है कोई फिज़िक्स में करता है कोई केमिस्ट्री में करता है और काम किसी और जगह आके कर रहे होते हैं ठीक है तो ये चीज़ गलत है आ, ये ये पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के दूसरे ममालिक मुस्लिम के अंदर लोगों के पास इल्म नहीं है तो वो गलत बात करते हैं ठीक है और गलत मशवरा देते हैं तो ये मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और जिन्होंने आपको मशवरा दिया है वो जो है ना बिल्कुल गलत मशवरा है ये मेरा ये मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन है कि आप जो हैं ख़ुद समझदार हैं पढ़ी लिखी हैं तो आप ख़ुद असेस करें चीज़ों को देखें हाँ भाई क्या चीज़ मुझे पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़नी चाहिए क्या करना चाहिए क्या, क्या नहीं करना चाहिए ठीक है आप किसी जी सर कोई भी आपसे कहे ना कि भाई आप ये कर लें या ये कोर्स कर लें गेम डेवलपमेंट कर लें वर्ड प्रेस कर लें फलाना करने डिमका लें कर ले, बड़े पैसे कमाएंगी दिस इज़ ऑल बेकार की बातें हैं दुनिया में जो है ना दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है हम लोग जो है ना पचास साल पुरानी बातें करते हैं और पूरा पचा, पचास साल पुरानी चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं ऐसा नहीं है ठीक है दुनिया में इस वक्त जो मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो जॉब्स हैं वो इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है और अब तो करोना वायरस की वजह से और ज़्यादा एक्सेलरेशन हो गई है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ राइट तो मेरा मशवरा है कि जो मैंने आपको चीजें बताई हैं प्लीज उसको देखिए पढ़िए समझिए सोचिए और उस पर अमल कीजिए इनशाला ठीक है चले आप मुझे जी अपना सीवी भेज दीजिएगा मैं आपका सीवी सेट करूंगा आपका नाम उसमें से खतीजा कर दूंगा और सबको दिखा दूंगा कि जिन जिन जो जो लोग एच से आ रहे हैं और वो इस तरफ ब्रेक करना चाहते हैं तो उनको किस तरह से पढ़ के क्या करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए तो आप उन तमाम जगहों पर जाके काम कर सकेंगे इनशाला ठीक है सर 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 मैंने आपको सीवी वी भेजनी है सर किस ई मेल एड्रेस पे भेजनी है मैं आपको अपना फोन नंबर में दे दूंगा या आप मुझे जो जिस पर आपने मुझे व्हाट्सएप से जो कॉल किया ना आप इसी पे मुझे सीवी अपना ड्रॉप करते हैं मुझे जी? मिल जाएगा इन जी सर सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है प्लीज वुड यू लाइक टू आंसर जी जी बोलिए बोलिए बस वक्त कम है बता दें मैं सोए भी नहीं, नहीं आंखें बहुत जल्दी जी, जी सर बस जी सर बस लास्ट क्वेश्चन है सर ये अभी जैसे आप अपनी स्टूडेंट जो है बात कर रहे थे उनकी मैम अनलीव जो है या इस तरह से जो जो, जो, जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि अगर हम पूरा इन, इसको अच्छी तरह ये आ, साइबर सिक्योरिटी ट्रैक जो है साइबर डिफेंस का है और डेटा साइंस को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं और सारा कुछ कर लेते हैं और जो भी इसकी कॉम्पिटेंसीज है उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हमें हमें आपके मतलब आपके ही प्लेटफॉर्म पे कोई होम बेस्ड जॉब भी ऑफर हो सकती है ये सिर्फ ऑल होम बेस्ट एवरी थी एवरीथिंग विल भी होम बेस्ड एवरीथिंग विल भी रिमोट वर्किंग ठीक है दुनिया में तमाम बड़े जो ऑफिस है सबके साथ होम वर्किंग में काम कर, कर रहे हैं सबके साथ होम वर्किंग पे होगा आने की जरूरत नहीं है ठीक है सर जी सर ठीक है और सर एक ये बस लास्ट बात है कि आपने कहा है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मैं हूँ और कोर्सेज करते जाती हूँ तो वही उसके लिए काफी होंगे उसको ये तो नहीं देखा जाएगा कि इसकी डिग्री उस चीज में नहीं है तो इसको मैंने बड़े पे पर आपको बताया ना मैंने थ्री कॉन्टिनें पे काम किया है मैंने, मैंने Uh, यूरोप में काम किया है मैंने नॉर्थ अमेरिका में काम किया है ठीक है और इसके अलावा मैं मिडलीस्ट भी गया हूँ काम करने राइट uh, तो जी सर आप समझेंगे थ्री कॉन्टिनेंट का मेरा एक्सपीरियंस है अलहदुल्ला राइट इवन के साउथ अमेरिका में भी मेरा एक्सपीरियंस है तो आप समझेंगे फोर्थ फोर कॉन्टिनेंट्स हो गए मैंने यहाँ पर जितने लोगों को देखा है मैंने कहा ना यूरोप के अंदर नॉर्थ अमेरिका में अंदर वेरी कॉमन के लोग डिग्री किसी और चीज़ में करते हैं काम किसी और चीज़ में करते हैं डिग्री उनका पैशन होता है कि भाई मुझे एस्ट्रोनॉमी में डिग्री करनी है या मुझे फिजिक्स में करनी है केमिस्ट्री में करनी है या बायो में करनी है किसी में भी करके आ जाते हैं वो ठीक है लॉ में करते हैं लेकिन दे डू समथिंग एल्स ठीक है सो इट डजन मैटर इट डजन मैटर ठीक है ना वॉट योर डिग्री स्पेशलाइजेशन है वॉट मैटर्स इज के इफ़ यू कैन डू द वर्क इन देयर इफ यू कैन गेट द वर्क डन दैट वट मैटर्स ठीक है दुनिया जो है ना आज से कुछ अर्से के बाद जो है डिग्रीज जो है उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी क्योंकि डिग्रीज बड़ी स्टैटिक हैं बहुत आराम आराम से वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो चीज़ आप यहाँ हमारा हम पढ़ा yeah. रहे होंगे आपको वो डिग्री वाले अडॉप्ट करते करते उनको सालों लग जाते हैं और यहाँ महीनों में पढ़ा के फारि करके आपको नहीं और आगे की चीज़ पढ़ा रहे होते हैं राइट तो डिग्री डजेंट मैटर वट मैटर्स इज कि अगर आपने पाकिस्तान से बाहर निकलना है या अपने मुल्क से बाहर निकल के कहीं और जाना है डिग्री गिव्स यू द प्लेटफॉर्म फॉर इमिग्रेशन परपज इन स्टफ़ लाइक दैट ठीक है

सो so ये एक रिकॉर्डेड सेशन था जो एक बहन ने किया अब जो मेरे पास टाइम कम होता है और मैं मेरे पास ना बहुत सारी कॉल्स आती हैं मैं रिसीव नहीं कर पाता तो अब मैंने उन लोग कॉल्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है ताकि मैं सबको बताऊं किस तरह से क्या है इसको मैं पोस्ट कर दूँगा फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जिसको फॉलो करना है हमारी जो माँ बहनें बेटियाँ हैं वो अपनी दीनी तालीम के साथ साथ और या जो भी चीज़ें पढ़ रही हैं उनके साथ साथ इन चीज़ों को पढ़ें तो ना सिर्फ वो कमा सकेंगी बल्कि अपने शौहरों को सपोर्ट कर सकेंगी बल्कि इसके अलावा अपने बच्चों को भी अच्छी तालीमत दे सकेंगी इनशाला जजाकल्ला खैर इनशा फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन जो होगा वो सलमान अहमद के साथ होगा जिनका नाम हम डिक्लेयर कर सकते हैं इन शाला ठीक है उनको कोई मसला नहीं है और इसके अलावा काज़ी अहमद हैं जो जर्मनी में होते हैं एरिक्सन के इनके साथ भी एक सेशन करूँगा और इसके अलावा एक इटली से स्टूडेंट हैं हमारे जो इटली में पढ़ रहे हैं वो फिजिसिस्ट हैं जो कि वहाँ पर नासिर अली इनके साथ भी होगा और बाकी जो फुल ब्राइट स्कॉलर थे जिनके साथ मेरा अहमद अली खान जिस उसके साथ तो मेरा हो गया था जिनको मैंने बताया कि क्या क्या करना चाहिए किस तरह से पढ़ना चाहिए तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं अगर आप यूरोप में नॉर्थ अमेरिका में हैं आप लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में है हैं मिडिलईस्ट में है उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे हैव टू री इन्वेंट दम सेल्स ठीक है अल्लाह ताला ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेहनत करें और अल्लाह आपको कामयाबी ना दे ठीक है जजाक खैर इनशा फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे असल वरह वक्त